भाई साहब आप पूरा दम लगा दीजिए पर मेरा टेम्पू निकाल दीजिए ना। मुझे नहीं लगता है निकाल पाएगा। क्या बात करते हो, तो निकाल कर ही रहेगा। लगी सर, हाँ लगी लगी सर। अरे भाई ये क्या कर डाला। अरे भाई साहब, भाई साहब आपने तो पूरा दम लगा दिया पर मेरे टेम्पो का भी दम निकाल दिया। तुमने तो कहा था पूरा दम लगाना, मैंने पूरा दम लगा दिया। भाई साहब दम लगाने के साथ साथ थोड़ी सी अकल भी लगा देते। कौन हो तुम, क्या नाम है तुम्हारा? हम सांडेश्वर है। सांडेश्वर? अरे सांड हो तो खेत में जाओ, चिड़ियाघर में जाओ। दम है तुम्हारी इस बात में भी दम है। तुम्हें कैसे पता चला कि हम चिड़ियाघर जाने वाले हैं? बाप रे बाप, अरे यार बर्बाद कर डाला इतने तो यार। चलो भैया बैठो, रास्ता खुल गया है। हाँ चलो चलते हैं, हमें हमारे जीजा जी से और हमारे प्यारे से भांजे घोटक से जल्दी मिलना है। चलो ये गुप्ता जी की ट्रेन कहाँ अटक गई? हाल है अभी तक नहीं आई, मुझे ड्यूटी हैंड ओवर करके घर जाना है, कहीं सांडेश्वर मामा ना आ गए हो। अरे गुप्ता जी कहाँ अटक गए थे? और ये क्या आप लाल टमाटर बन के क्यों घूम रहे हैं? अरे घोटक बाबू क्या बताऊँ, गोपालगंज गया था, हमारे साले साहब की शादी थी, अब वहाँ से आते समय लेट हुआ तो हम शादी के कपड़ों में ड्यूटी पर चले आए। ठीक है चलिए आप ड्यूटी संभालिए, मैं चलता हूँ। क्या कर रहे हैं, आपको क्या लगता है इस लाल कोट में मैं यहाँ पर ड्यूटी करूंगा? अरे लाल कोट देखकर सारी ट्रेनें रुक जाएंगी। हाँ तो आप चाहते क्या हैं? मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप अपना वाला कोट मुझे दे दें और मेरा वाला कोट आप पहन लीजिए। गुप्ता जी आप ये मेरा वाला कोट ले लीजिए, लेकिन आपका कोट मुझे नहीं चाहिए। लाल कोट पहन के निकलूंगा तो लोग हंसेंगे मुझ पे। आप एक काम कीजिए, आप अपना ये कोट यहीं छोड़कर जाइए। अरे घोटक बाबू क्या गजब कर रहे हैं, ये हमारे ससुराल वालों का कोट है, अगर इस कोट को जरा सा भी इधर से उधर हुआ ना तो हमारी पत्नी हमको घर से निकाल देगी। हाँ एक काम करिए, आप इसे आज पहन के जाइए, ठीक है? मैं कल ड्यूटी से जाते समय घर ले जाऊंगा, ठीक है? लेकिन मैं नहीं कोई लेकिन नहीं लीजिए पहने गुप्ता जी, चलिए। लेकिन रुकिए, आपने हमारे ससुराल का कोट तो पहन लिया लेकिन इसका प्रेस ना खराब होने पाए। हाँ आप ड्यूटी कीजिए ना। वजन कितना है भाई साहब आपका? वो तो पता नहीं, आप में तो दम है लेकिन मुझ में इतना दम नहीं कि अब वो रिक्शे चला सकूं। इस चीज का इलाज है मेरे पास। क्या
बस 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 पहलवान जी, बस पहलवान जी, ये आ गया आपका चिड़ियाघर। आज पहली बार हमारी रिक्शा में हम पीछे बैठे हैं, आनंद आ गया। ये लो, आनंद से क्या होगा, अपने अंदर दम लेकर आओ, अच्छी अच्छी चीजें खाओ, शरीर बनाओ, सेहत बनाओ और दम बढ़ाओ। दम नहीं है तुम में। बड़े अच्छे इंसान है आप, खुद ने रिक्शा भी चलाया और पैसे भी दे रहे हैं। सच में दम है आप में। अच्छा भैया जी, जय बजरंगबली। जिज्जा जी का आशीर्वाद लेकर तुरंत नहाने जाऊंगा, जल्दी से अंदर जाता हूं, सब लोग मुझे देख के कितना खुश होंगे ना। जिज्जा जी कहाँ है? जिज्जा जी, जिज्जा जी हम आ गए। सांडू मामा, अरे गिल्लू मामा, सांडू मामा, हरिओम सांडू मामा, हरिओम। जीते रहो जीते रहो, सब लोग जीते रहो। जिज्जा जी कहाँ है? बाबूजी अब रूम में होंगे, आ गए। सांडू जी, धीरे बेटा, क्या कर रहा है? अरे अरे प्यारे प्यारे जीजा जी, सांडू में गिर जाऊंगा बेटा। अरे बाबू बेटा, सांडू कितना अच्छा है ना। सांडू ना बेटा, ना ना ना, गिरा, नीचे उतार दे, नीचे उतार, नीचे। हरिओम हरिओम। अरे क्या हुआ तुम सब लोग को? तुम सब लोग ऐसे पैर पकड़ क्यों बैठे हो? कुछ खास नहीं। कुछ भी नहीं हुआ मामा जी, छोड़ो छोड़ो, हमारी गलती से आपके सामान के नीचे हमारे पैर आ गए। छोड़ो छोड़ो, तो ध्यान रखना चाहिए ना। हाँ ध्यान रखेंगे, हाँ ध्यान रखेंगे, ध्यान। अच्छा सांडू, वैसे बाकी सब लोगों से तो तुम मिल ही चुके हो, मेरी छोटी बहू से तुम नहीं मिले। मैं मिलवाता हूँ। चुईया, चुईया नजर नहीं आ रही बेटा, कहाँ है? हाँ अभी तो यही थी। चुईया, 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 हम यहाँ हैं बाबूजी, डरते डरते। अरे मयूरी पूछ रही है तू छत पे कब पहुँच गई? हम सांडू मामा को देखकर ना डर गए थे, इसलिए छत पर आ गए डरते डरते। ओ बेटा कुछ नहीं होगा, सांडू मामा कुछ नहीं कहेंगे, नीचे आ जा। सांडू मामा, जीती रहो जीती रहो। सांडू मामा, ये है हमारी चुईया। चुईया दम है, नाम में भी दम है। सांडेश्वर मामा, हमारी चुईया की सिर्फ नाम में ही दम है, इसमें तो बिल्कुल दम नहीं है। कितना डरती है ये, डरते डरते। कोई बात नहीं, अब मैं आ गया हूं ना, इसके दिल से डर हमेशा के लिए निकाल दूंगा। वैसे कपी और घोटक कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अब वो मामा जी, कपी आजकल इवेंट कंपनी में बंदर का काम करता है। हाँ। डॉट 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 डॉट, कुछ दिनों के लिए शहर के ब्रैकेट से बाहर गया हुआ है।
हाँ लेकिन भैया शहर के ब्रैकेट में ही है, बस अभी आते ही होंगे। वैसे मेरा सबसे प्यारा भांजा है घोटक, इन्हीं कंधों पर बिठा के मैं उसे घुमाता था। बात तेरी सही है। मामा जी हाथ मुंह धो लीजिए, खाना तैयार है। अभी शाम के नाश्ते का टाइम है, खाना पीना बाद में। पहले मैं तुम सबको ये बता दूं कि मैं तुम सबके लिए क्या लाया हूँ। सबसे पहले जीजा जी के लिए। हरिओम हरिओम बेटा सांडू, ये इतने बड़े बैग में मेरे लिए क्या ले आए तुम? जीजा जी मूली लाए हो। मूली? 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 और वो भी बैग भर के? कमाल है सांडू मामा, अब चिड़ियाघर में सिर्फ मूली के पराठे ही बनेंगे। हाँ इतने ज्यादा नहीं है, बस सिर्फ पांच ही है। सिर्फ पांच? क्या इतने बड़े बैग में सिर्फ पांच मूली? बाकी क्या है सांडेश्वर मामा? मिट्टी? अरे जिज्जा जी आपको खेत की ताजी मूली पसंद है ना, इसलिए मिट्टी सहित मूली बैग भर के लाया हूँ। ये लीजिए ताजी खेत की मूली। लखनऊ से तुम इन पांच मूलियों के लिए पूरा बैग मिट्टी भर के ले आए? चिज्जा जी ये तो अम्मा ने मना कर दिया था, वरना पूरा खेत ही इस बैग में भर के मैं लेके आता। मामा जी आप हम सबके लिए क्या लाए? तुम सबके लिए भी तोहफे इस बक्से में है। गोमुख बेटा जरा बक्सा इधर तो ले आना। जी मामा जी। चो, चो, चो। अयो, बेटा चोट तो नहीं लगी? बैग में तो मिट्टी भरी थी, बक्से में क्या पत्थर भरे? फुल पत्थर मतलब फुल स्टॉप। कितना भारी है? इतना भी भारी नहीं है, तुम लोगों में दम नहीं है। ओ इस बक्से की चाबी तो हम अम्मा के पास ही भूला है, अब तुम्हारे लिए सारे तोहफे कैसे निकाले? No problem. मयूरी के पास ना एक आइडिया है। रुको, इतना दम लगाने की जरूरत नहीं है, हम में है दम। हरिओ फोड़ दिया। ना तोहफा, अब इससे रोज एक्सरसाइज करना और दम बढ़ाना। भैया अरे अरे अच्छा सांडू बेटा अब ऐसा करो तुम नहा धो लो और उसके बाद नाश्ता कर लो। नहाते हैं जीजा जी, थोड़ी प्यास लग रही है। मेंडू बेटा थोड़ा पानी तो ले आना। पानी
दम है, इस मेंढू में दम है। पानी पीने के लिए मंगाया था, नहाने के लिए नहीं। तो इसका क्या करें? क्या करेगा? सर पे डाल मेरे। दम है, इस लड़के में बहुत दम है। सिर्फ इसी को पता चला कि हमें कितनी गर्मी लग रही है। अब्बास मेंढक, और पानी डाल, आज तू ही मुझे नहलाएगा। हरिओ। वाह मेंढक वाह, मजा आ गया। वाह मेंढक वाह। तू तो बहुत अच्छी से नहलाता है हमें। हाँ सांडेश्वर मामा जी, जब हम गांव में अपनी भैंस को नहलाते थे ना, हाँ। तो हमारी अम्मा भी हमारी ऐसी तारीफ करती थी। और डाल पानी, आज से फिर हमें नहलाएगा। सांडू मामा आ गए होंगे, मुझे देखते ही कंधे पे उठा लेंगे। सांडेश्वर मामा जी, टावल। क्या भैया? अरे, अरे! नया टावल था। तू पीछे से पहुंच, मैं आगे से पहुंचता हूँ। सांडू मामा, अरे सांडू मामा कहाँ है आप? क्या भैया? क्या भैया? लेकिन मयूरी को समझ में नहीं आ रहा कि मामा इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं। पता नहीं मयूरी, मुझे तो डर लग रहा है। बेटा, एक अपना कोट उतार दे, कोट उतार दे। लेकिन क्यों बाबूजी? बेटा, आ जाइए सांडू मामा, आ जाइए, मुझे अपने कंधे पर उठा लीजिए, आइए आइए। मामा जी, सांडू। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.